गुड मॉर्निंग बच्चों, दोबारा से आपके सामने हम हाजिर हैं और आप हमारे सामने हाजिर हो। पहले तो पीछे जो बच्चा मेरे से वोकैबुलरी क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसे बता दूं कि पिछले जब क्लास मैंने ड्रॉप की थी बेटा, तो मैं बता के गई थी अब वर्ब के अंदर वो वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है, वो क्वेश्चन मुझे कराने हैं जिसके लिए नाउन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आज हम नाउन का थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर कर देंगे, ताकि कल फिर वर्ब का वो पार्ट पढ़ा सकूं जो नाउन से थोड़ा सा कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसे मैं जनरली नाउन वर्ब लिंक करके क्लासेस में पढ़ाती हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ भी चुके हैं उन्हें बता रही हूँ। तो नाउन वर्ब लिंक करके ये हमारा चलता है, जिसे हम आज शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन जो एक बच्चे ने पूछा हुआ है, वो ये पूछ रखा है कि वो ऑनलाइन वाला डिस्काउंट वाले बैच के बारे में बताओ। उसके लिए मैं कल स्पेसिफिकली लाइव आऊंगी, फिर आपको ऐप की भी सारी डिटेल दूंगी और बैच की भी सारी डिटेल बताऊंगी, ठीक है। और जो बहुत दिन से कह रही थी, वो डिस्काउंट्स की भी मैं दोबारा से बात करूंगी। पहले भी एक डिस्काउंट स्कीम अनाउंस की थी, कल दोबारा से लाने वाली हूँ। तभी तो बार बार बोल के जाती हूँ, कहीं और एडमिशन मत लेना, जितने सा छूट हम कर देंगे उतना सा नहीं करेगा कोई और अच्छे टीचर्स के साथ, ठीक है बच्चों। और बहुत बढ़िया ऐप है, आपको मजा आएगा ऑपरेट करने में, मैं देख चुकी हूँ। बाकी आपसे मैं इस बारे में डिटेल में कल या परसों में मैं एक दिन लाइव आऊंगी और सब जानकारी बता दूंगी। बिल्कुल भी घबराए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोई जल्दबाजी ना करें। बहुत अच्छी चीज लाने के लिए सहज पके सो मीठा होए, सुना है ना, तो सहज सहज हम पका रहे हैं ताकि मीठा मीठा सा आपको खिला सकें, ठीक है बच्चों। एक और क्या, हाँ गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर मैम बबीता जी, थैंक यू फॉर यूजिंग द वर्ड डियर, थैंक यू सो मच। अनुज कहाँ है भाई तू, रोमन जी अनुज को क्यों याद कर रहे हो, आप अपने आप में रोमन है, फील करिए। अत्री जी गुड मॉर्निंग, आरती सॉरी सॉरी बेटा, इट्स आरती इट्स नॉट अत्री। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैंने अभी कमेंट्स में पढ़ा था, वो उतर गया। ऑनलाइन का मैंने क्लियर कर दिया, नाउन का कर दिया, वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, अभी वो क्या था पता नहीं, वो स्क्रॉल अप हो गया है, मुझे नहीं पता है। हाँ, डिस्काउंट प्लस नॉलेज का मतलब होता है वेटिकन जी अनुज, बिल्कुल। रोमन गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत लंबी वाली गुड मॉर्निंग, सब ठीक हो ना। कुछ नए बच्चे जुड़े हो तो इसको भी लाइक कर दो फटाफट, आते ही कर दिया करो। गुरु दक्षिणा दिल खोल के दोगे तो इंग्लिश का ज्ञान मैं आपसे डबल दिल खोल के दूंगी, ठीक है बच्चों। इंस्टीट्यूट कब खुलेगा, यही क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूट खुला हुआ है माइकल जैक्सन जी, इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, आप आ जाओ, आपका मन नहीं लग रहा है तो आप आ जाओ, हम यहीं पे हैं। 15-20 लोग दूर दूर बैठ करके तो अलाउड है, आपका मन नहीं लग रहा आप आ जाइए, अदरवाइज मैं फोन के थ्रू रोज तो आपके घर आ रही हूं, अभी और क्या करूं बताओ, डेली तो आपसे मिलने आ रहे हैं हम फोन के थ्रू। चलो जुड़ गए मेरे ख्याल से सभी बच्चे, जितने से उस क्लास में थे सब यहाँ पे आ चुके हैं, जितने लाइव है लाइक तो उतने नहीं है, दबा दिया करो भाई अपने आप, शेयर भी कर दिया करो। लाइक और शेयर करने को पता है बच्चों क्यों कहती हूँ, बहुत सारे बच्चों के अभी भी क्वेश्चन आते हैं, मैम कौन सी क्लास किस टाइम पे है, कौन से चैनल पे है। तो आप में से ना बड़े सारे बच्चे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं, ये बात भी मैंने आपको कहनी थी। और मैं कोई भी पोस्ट जब डालती हूँ तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, आप उसको लाइक तो कर देते हो, शेयर नहीं करते हो। तो लाइक करने के बजाय ना मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जो भी कुछ आपको मिले सीधा शेयर का बटन दबा दिया करो, वो मेरी सबसे बड़ी हेल्प होगी आप सबकी तरफ से, ठीक है। जेन्युइनली अगर आपको थोड़ा सा भी हम अच्छा पढ़ा पाते हैं या कुछ अच्छा कर पाते हैं, थोड़ा सा भी आपको अच्छा फील करा पाते हैं, तो जितने भी आप में से बच्चे फेसबुक पर मुझसे कनेक्टेड हैं, वहां पर जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उसको लाइक के साथ साथ शेयर भी किया करो। शेयर ज्यादा मुझे दिखने चाहिए, जैसे ही मैं ओपन करती हूं मुझे दिखता है 50 लाइक, अगर मुझे दिखे 50 शेयर तो उसमें मेरा काम ज्यादा आसान होगा, है ना, उसमें मेरी ज्यादा हेल्प होगी बच्चों। तो आप लाइक दबाओ या शेयर, बटन तो एक ही लगना है ना आपका, तो आप कोशिश करो कि शेयर ज्यादा दबाओ, जितने भी बच्चे मुझसे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल, यहाँ से यूट्यूब से भी आप उसको शेयर कर दीजिए। ये सिर्फ इसलिए कराती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो जरूर फैलाओ, ठीक है बच्चों। अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, नहीं तो कक्षा का समय बातों में ही निकल जाता है बहुत सारा। आइए, आज के क्लास में थंबनेल पे मैंने लिखवाया है नाउन, लेकिन बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर रही हूं, नाउन मुझे कराना पड़ रहा है क्योंकि मैंने क्लास में स्टार्ट कर रखा है वर्ब, और वर्ब का अब मुझे वो पार्ट कनेक्ट करना है जिसके लिए मुझे नाउन की जरूरत है।
टॉपिक तो यही चल रहा है अभी, लेकिन इसके अंदर हम कौन से वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जो किस पे डिपेंड करता है? नाउन पे डिपेंड करता है। अब नाउन का अर्थ क्या है ये समझने से पहले ध्यान से सुनो बच्चों, ये नाउन आया कहां से है। वैसे तो पहली क्लास में ले चुकी हूं, लेकिन फिर यहां दोबारा से इंट्रोड्यूस कर देती हूं। इंग्लिश के अंदर हम एक चीज पढ़ाते हैं बच्चों को, जब इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो हम कहते हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ है ही नहीं, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ है ही नहीं, पूरी इंग्लिश कंपाइलेशन है। किस चीज का? सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, और उसी में आता है बच्चों वर्ब। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है भाई? देखिए, स्पीच का मतलब होता है बच्चों कुछ कहना, बताना लंबी सी देर के लिए। बाकी यहाँ पे स्पीच का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, और पार्ट्स यानी उसके हिस्से। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिस्से, यानी पूरी इंग्लिश के टुकड़े कितने हैं, और आप हैरान हो जाओगे सुन के, पूरी इंग्लिश के टुकड़े सिर्फ 8 हैं। यानी इंग्लिश में मैक्सिमम देर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पे मैंने आपको ये कह दिया कि अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा रहे हैं, जो बहुत मोटी होती है, बहुत मोटी डिक्शनरी होती है, उसके हर शब्द को भी अगर छांटने बैठ जाओ तो उसमें मैक्सिमम सिर्फ 8 ही तरह के शब्द आपको मिलेंगे। सिर्फ 8 तरह के शब्द हैं बच्चों, और उन्हीं से पूरी इंग्लिश बनी हुई है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप बोलिए, उसके अंदर मैक्सिमम कितने शब्द होते हैं? 8। और उन्हीं 8 को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसी में पहला कौन सा माना जाता है? नाउन। अब ये नाउन क्या है ध्यान से सुनिए, नाउन की कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंदी वाले तरीके से पढ़ाना पसंद नहीं करती। मुझे ये लगता है कि बच्चा अगर कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा काम करे तो इंग्लिश बहुत आसान है, और रट्टा अगर वो मारने लग जाए तो इंग्लिश बहुत मुश्किल है ना बच्चों। तो नाउन के कॉन्सेप्ट को अगर मैंने बनाना है तो उसकी परिभाषा मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ इतना सा कह रही हूं, नाउन अगर कहना है ना तो सिर्फ एक ही चीज को कहिए, नाम। अपने घर बैठे बैठे बोल दो एक बार, नाउन का मतलब क्या है? नाम। जो बच्चे मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता भी है, नाउन की डेफिनेशन मैं कभी नहीं बोलती हूँ, मैं एक ही चीज कहती हूँ, नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम। जैसे अभी मेरे हाथ में फिलहाल मार्कर है बच्चों, तो मार्कर इस चीज का नाम है, मार्कर चीज है और इस चीज का नाम भी मार्कर है। तो मार्कर शब्द को इंग्लिश क्या कहेगी? नाउन कहेगी। अभी कैमरा के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं, तो कैमरा शब्द भी क्या है? नाउन है। लैपटॉप के स्क्रीन पे मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये लैपटॉप क्या है? ये भी नाउन है। यहाँ पे रब करने के लिए डस्टर है, डस्टर को भी क्या बोलोगे? नाम है ना उस चीज का, तो नाउन हो गया बच्चों। अगर हम इस मोबाइल फोन की बात करें, जिसमें से अभी हम आपको वन वर्ड्स वगैरह करा रहे थे, तो ये सेल फोन, मोबाइल बोलोगे, फोन बोलोगे, तो ये भी इस चीज का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। आप सब बैठे होंगे घर पे, बेड पे बैठे होंगे, नाम है। चेयर पे बैठे हैं तो भी नाम है। हाथ में पानी का ग्लास लेके बैठे हो तो ग्लास भी नाउन है। कितने नाउन है देखो आसपास, परिभाषा रटने की जरूरत ही क्या है? गर्मी है, पंखा जरूर चला रखा होगा, नाउन है। ट्यूबलाइट ऑन होगी, नाउन है। कूलर चला रखा है तो कूलर भी नाउन है। एसी के अंदर बैठे हो तो एसी शब्द भी नाउन है। मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगी, बोर्ड शब्द भी नाउन है। दूर कहाँ जा रहे हो आप सब, खुद भी नाउन ही हो। आप सबका जो अपना नाम है बच्चों, नाम तो है ही ना, सबका कुछ ना कुछ नाम तो है ही, तो उस नाम को भी हम क्या कहेंगे? नाउन। मेरा नाम नेहा है, नाउन है। गर्ल बोलोगे तब भी नाउन है, लेडी बोलोगे तब भी नाउन है, फीमेल बोलोगे तब भी नाउन है, मुझे टीचर बोलोगे तब भी नाउन है। तो नाउन का मतलब क्या हो गया? सिर्फ किसी भी चीज का नाम। लेकिन नाम पक्का होना चाहिए, अगर वो उस चीज का नाम है तो वो 100% नाउन है, उसके अलावा वो कुछ और हो ही नहीं सकता। साहिल जी फर्स्ट क्लास है आपकी, कोई बात नहीं, पक्का समझ में आएगा, डोंट वरी। नाउन का बेसिक्स ही कर रहे हैं आज हम, पक्का आपको क्लियर हो जाएगा जी। संख्या बढ़ गई है लाइव वाले बच्चों की, शेयर कर दें जितने से भी नए बच्चे जुड़े हैं। तो नाउन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज का नाम क्या है बच्चों? नाउन है। अब एक बार मैं कुछ पूछूंगी, घर बैठे बैठे बताना जल्दी से। अगर कोई आपसे पूछ रहा है आपकी नाक, किसने बोला नोज, तो जल्दी बताओ नाउन हुआ कि नहीं हुआ?
बिल्कुल हुआ। अगर कोई कह रहा है हेयर तो वो भी क्या हुआ नाउन, कोई कह रहा है हैंड तो वो भी क्या हुआ नाउन, फिंगर बोल रहा है तो भी क्या हुआ नाउन, नेल बोल रहा है तो भी क्या हुआ नाउन। क्या कह रही हूँ समझ रहे हो? मैं आपको ये कह रही हूँ, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है जिसका नाम ना हो, और नाम अगर है तो वो पक्का नाउन है। नाउन पहचान पाओगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे। और बेसिक्स को मैं पूरा टाइम देती हूँ, मेरी पिछली क्लासेस याद करिए। अगर किसी इंसान ने आधार बना लिया इंग्लिश का, इंग्लिश बहुत आसान है, मैं यहाँ खड़े होकर सीधा एरर भी करा सकती थी, मैं ये मान सकती थी कि नाउन तो आता ही होगा, है ना, मैं अपना टाइम बचा सकती थी, पर मैं नहीं बचा रही हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ ना कुछ नया पक्का सिखाऊंगी। चाहे आपने नाउन कितने भी जगह से पढ़ा हो, कोई ना कोई नया पॉइंट मैं आपको पक्का दे पाऊंगी, तो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो नाउन का मतलब जोर से बोल दो घर बैठे बैठे, किसी भी चीज का नाम, जल्दी से बता दो, नाउन मतलब नाम। हाँ जी बच्चों, जोर से बोल दो, नाउन मीन्स नेम। अब एक स्टेप आगे जाती हूं, आपके कॉम्पिटिटिव फील्ड में नाउन को दो तरीके से बाइफर्गेट किया गया है। नाउन की बेसिकली दो टाइप्स में यहां पे आपके सामने लिख रही हूं बच्चों। पहले को हम कह रहे हैं काउंटेबल नेम्स, और दूसरे को हम कह रहे हैं अनकाउंटेबल नेम्स। यानी मैंने कहा दो टाइप के नाउन इंग्लिश में हैं, एक को हम कह रहे हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को हम कह रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखो नाउन की अंडरस्टैंडिंग ना बहुत जरूरी है, आर्टिकल्स के लिए भी जरूरी है, वर्ब के लिए भी जरूरी है, और बहुत सारे जैसे एडजेक्टिव्स अगर किसी को लगाने हैं तो उसे पहले नाउन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आर्टिकल लगाना है तो भी नाउन, वर्ब में तो 50-60% नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह होता है ना नाउन, और वर्ब में मैं इतना सा तो सिखा चुकी हूं, जैसा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को देख करके ही वर्ब लगा पाओगे। तो नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान चीज है और बहुत बेसिक चीज भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेकिन फिर भी बहुत कुछ नया आपको मिलेगा। तो जुड़े रहना, सुनते रहना, टिके रहना। फोन के आगे बैठ करके पढ़ने में थोड़ी सी ताकत तो लगती है, पर बन जाएगी बात, बैठे रहो, बोर नहीं होने दूंगी, ठीक है। बोर होने लग जाओ तो फिर दो मिनट रुक के हम बातें करने लगेंगे, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है, मजे मजे में पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो नाउन के दो टाइप बोर्ड पे क्या है जल्दी से पढ़ दो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर से बोल दो बच्चों एक बार, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक बार और बोलिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर से बोल दो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। शाबाश, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, बिल्कुल ठीक है, बोल दिया होगा आप सबने। हाँ काउंट, जी जी जी, अच्छा एप्पल्स भेजे हैं, थैंक यू, थैंक यू निशा। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझते हैं बच्चों, बीच बीच में रुक जाऊंगी थोड़ी सी देर के लिए कि आप एडॉप्ट कर सको इन चीजों को, ठीक है। अब काउंटेबल की अगर मैं बात करती हूं तो काउंटेबल नाउन का मतलब है, क्लास चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता दो, चल रही है, चल रही है। हाँ जी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है बच्चों। काउंटेबल का मतलब पता है क्या है, सुन के ऐसा लगता है कि काउंटेबल भी कोई पढ़ाने की बात थोड़ी ना है, कोई भी ऐसी चीज जिसे गिन सकते हैं। मैं भी ये बात मान रही हूँ, कोई पढ़ाने की चीज नहीं है, लेकिन पढ़ा रही हूं तो कुछ तो लॉजिक होगा, तो ध्यान से सुनिए। काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है। लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ूंगी, बहुत बार ना बच्चा गिनने ना गिनने में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार क्लास में जब इन चीजों को पढ़ाया जाता है और मैं पूछूं राइस बताओ जरा कैसा नाउन है, बहुत सारे बच्चे उसको यहाँ रख रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ रख रहे होते हैं। पता है क्यों रख रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि चावल को गिना तो जा सकता है ना अगर हम फुर्सत से बैठे तो, लेकिन गिना जा सकता है और गिनते हैं में डिफरेंस है। देखो चीज बहुत आसान है इंग्लिश में अगर सही तरीके से समझा जाए तो। अगर उसको नेगेटिव सोच लेकर के बैठोगे, नेगेटिव तरीके से समझोगे तो वो बुरी होती चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊं वैसे फील करते जाना, टॉपिक पक्का समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को नाउन पहचानना नहीं आता बच्चों, मैं हैरान होती हूँ, उल्टा सीधा आंसर दे रहे होते हैं। तो आओ बोर्ड पे चलते हैं। काउंटेबल का पहला पॉइंट तो यही हो गया, जिसे हम गिन सके। काउंटेबल मींस हर वो चीज जिसे गिना जा सकता है उसके नाम को कहते हैं काउंटेबल, या हर वो चीज जिसे 1 2 3 4 कर सकते हो उसे कह सकते हो काउंटेबल। देखो बच्चों, मेरे हाथ में जैसे कि एक मार्कर है, मैंने गिन दिया, मैंने हाथ में एक घड़ी पहनी है, मैंने गिन दी, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, मैंने गिन दिया, भगवान ने मुझे एक नाक दी है, 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, गिन दिया, इन सब को आप कह सकते हो काउंटेबल नाउन। समझोगे बहुत आसान है, किताब के हिसाब से चलोगे, रट्टा मारोगे,
कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत है, नाउन की टाइप को ही लेके कॉन्ट्राडिक्शन है, एग्जाम्पल को लेके कॉन्ट्राडिक्शंस है, टीचर्स ही आपस में लड़ मरते हैं, नहीं ये तो ये वाला नाउन है, ये वो वाला नाउन है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो ये सब चीज को मैंने गिन दिया, यानी कि 1 2 3 4 करते ही ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, आपको भगवान ने दो टांगे दी हैं, दो हाथ दिए हैं, तो सब कैसे नाउन हो गए बच्चे, काउंटेबल हो गए। एक मम्मी दी है, क्या हो गया, काउंटेबल हो गई, मदर भी। एक फादर दिए हैं, क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। टीचर बहुत सारे दिए हैं, है ना, 2 3 5 7 टीचर दिए हैं, तो ये सब कैसे नाउन हो गए, काउंटेबल। लेकिन एक पॉइंट और जोड़ रही हूं, अगर किसी को 1 2 3 में कंफ्यूजन हो जाए तो दूसरा पॉइंट आपको हेल्प करेगा उन चीजों के नाम जिन्हें प्लूरल करना संभव है। क्या कह रही हूं बच्चों, अगर हम किसी चीज को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं या कर रखा है प्लूरल फॉर्म उसका, तो समझ जाना वो नाउन पक्का काउंटेबल है। ये ट्रिक बहुत काम आती है, ध्यान से सुन लेना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। बहुत जगह बच्चा कंफ्यूज होता है तो मार खा जाता है। जैसे पता है क्यों, अभी बताऊंगी एग्जांपल से आपको। मैंने कहा काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, तो काउंटेबल है, अंडरस्टूड है। अगर उसको प्लूरल कर पा रहे हो या उसका प्लूरल आज तक कभी देखा या सुना है तो भी वो काउंटेबल है। अभी मैंने कहा एक मार्कर, अब मैं कह सकती हूं 3 markers, तो क्या हो गया बच्चों, काउंटेबल पक्का हो गया, क्योंकि मैंने कहा मार्कर्स। तो अगर किसी चीज को प्लूरल फॉर्म में देखो तो बिना डाउट के कह देना वो काउंटेबल हो चुकी है, बिना डाउट के कह देना वो काउंटेबल हो चुकी है, क्योंकि प्लूरल कर ही उस चीज का सकते हो जो काउंटेबल नेचर में हो। समझ रहे हो, प्लूरल होगा ही उसका। देखो प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा का मतलब गिना, गिना यानी काउंट हो गया। अब बहुत सारे बच्चे यूं कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर तो स्टार क्या हुआ, स्टार और स्टार्स है ना डिफरेंस। अगर कह रहे हो स्टार्स तो दे दो जवाब, कैसा हुआ, पक्का काउंटेबल हुआ, क्योंकि एस लगा के आप कई कह रहे हो, एक से ज्यादा कर दिए मैंने, एक से ज्यादा बोल दिए तो भाई कर दिया ना आपने उसको काउंट, एस लगा दिया तो वो काउंट हो गया। ये ट्रिक बहुत जगह आपको हेल्प करेगी। अगर आप प्लूरल फॉर्म कर रहे हो किसी नाउन की, मान लीजिए वो काउंटेबल है, प्लूरल फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है पक्का। जिसको प्लूरल नहीं बना सकते वो भी अनकाउंटेबल है। देखो इन्हीं दोनों बातों पे मैंने क्रॉस लगाया है ताकि आपको समझा सकूं। अगर 1 2 3 4 कर सकते हो काउंटेबल है, प्लूरल कर सकते हो काउंटेबल है, प्लूरल नहीं कर पा रहे हो, आज तक प्लूरल देखा ही नहीं है, अनकाउंटेबल है। 1 2 3 4 भी नहीं कर पा रहे हो, अनकाउंटेबल है। देखो बच्चों समझाती हूं, देखो यहां पे ये वाटर बॉटल है सपोज हमारे सामने। अब मैं इसको बोलू बॉटल, कितनी बॉटल है खुद ही बता दो, एक, गिन दिया, तो बॉटल को कैसे नाउन में रखोगे, काउंटेबल में। लेकिन इस बॉटल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, वाटर, देख रहे हो पानी, बताओ कितने पानी है इस बोतल में, बताओ बॉटल के अंदर कितने पानी है, 1 2 5 7 बता सकते हो क्या, बताइए क्या 1 2 5 7 बता सकते हैं, गोलू गोलू, जय हिंद प्रियंका मैम। अच्छा प्रियंका मैम भी कमेंट्स में है क्या, मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा बच्चे राधे राधे बोल रहे हैं, नमस्ते प्रियंका मैम जी, अगर आप हैं तो मेरा, मैं आपका कमेंट मिस कर गई हूं जी। बॉटल काउंटेबल हुई और वाटर अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि पानी को नहीं गिन पाए ना। क्या कभी ऐसा बोला है, आज मैंने 5 पानी पिए, कल मैं 3 ही पानी पी पाया था, परसों शायद मैं 10 पानी पीऊंगा। नहीं करोगे ना बच्चों, तो समझ पाए कि नहीं। जिसको 1 2 3 4 कर दो आराम से काउंटेबल है, 1 2 3 4 नहीं कर रहे हो अनकाउंटेबल है, प्लूरल कर रहे हो, कभी ऐसा कहा है 5 पानियों को पिया, नहीं कहा ना, तो पानियों यानी प्लूरल भी नहीं हो रहा, पक्का कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। चीज बहुत आसान है, फील करोगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ना तो गिन सकते हो ना प्लूरल कर सकते हो। अब अगला पॉइंट और ध्यान से सुन लेना, कुछ ऐसे नाउन होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें आप गिन तो नहीं सकते लेकिन उन्हें मेजर करना पॉसिबल होता है। जैसे अभी अभी मैंने कहा था वॉटर, इस बॉटल को मैंने उठाया तो मैंने कहा पानी अनकाउंटेबल है, ठीक है, हम इसे गिन तो नहीं सकते, लेकिन गिन तो नहीं सकते लेकिन क्या करते हो, मेजर तो करते हो,
माप तो सकते हो, दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी हो 2.5 लीटर पी लो, 1 लीटर आधा लीटर पियोगे बीमार हो जाओगे। क्या कर रहे हो, पानी को मेजर कर रहे हो, किसमें, लीटर्स में मेजर कर रहे हो। और जिस भी चीज को लीटर्स में मेजर किया जाए और मेजर ही किया जाए केजी में, मीटर में, कपड़े को कैसे करते हैं सेंटीमीटर्स में, मीटर में, मेजरमेंट ही तो करते हो। अपने आप को क्या करते हो, वेट करते हो ना, मैं 50 किलो का हूं कि 70 किलो का हूं, समझे कि नहीं समझे। तो इस केस में ये सारे नाउन कैसे हो गए बच्चों, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, गिन नहीं सकते, ठीक बात है, प्लूरल नहीं कर सकते, ये भी ठीक बात है, लेकिन मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और आपको हैरान करने वाली एक बात बताती हूँ इंग्लिश की, कुछ तो ऐसे नाउन भी है बच्चों जिन्हें ना तो हम गिन सकते हैं, ना प्लूरल करते हैं और ना ही मेजर करते हैं। देखो इन तीनों पे क्रॉस कर दिया मैंने, इसमें से कुछ नहीं करते हैं, फिर भी इंग्लिश उसको बोलती है अनकाउंटेबल, फिर भी इंग्लिश उसको बोलती है अनकाउंटेबल। पता है क्या चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के प्रति आप सबका प्यार समझ गए होंगे, इंग्लिश के प्रति आप सबकी नफरत, जो प्यार करते हैं उनके लिए प्यार और जो नफरत करते हैं उनके लिए नफरत, मेरे लिए आप सबके मन में इज्जत। अब प्यार है, नफरत है, इज्जत है, ये तीनों कैसे नाउन हुए बताओ जरा, अनकाउंटेबल हुए, लेकिन ना तो गिन रहे हो ना मेजर कर रहे हो। ऐसा बोलते हो क्या, मम्मी से मैं 250 ग्राम प्यार करता हूं और पापा से 125 ग्राम, ऐसा किया है क्या कभी, नहीं ना, तो मेजर भी नहीं कर रहे हैं हम उसको, तो भी हमारा नाउन कैसा माना जाएगा, अनकाउंटेबल माना जाएगा। तो जिस चीज को गिन नहीं रहे, मेजर नहीं कर रहे हैं, वो सब कौन से नाउन में आएंगे, अनकाउंटेबल में। बच्चों आज बेसिक पढ़ा रही हूं नाउन का, इसीलिए बहुत हल्का हल्का बता रही हूं, ठीक है। अदरवाइज इसी में उलझाने और भयंकर चीजें दिखाने के भी बहुत तरीके हैं, पर धीरे धीरे आपको पता लग गया होगा ना मेरा तरीका, वो सॉन्ग को मैं फॉलो करती हूँ, धीरे धीरे से जिंदगी में आना, बड़ी बेसुरी हूं तो इग्नोर कर देना। बाकी कह ही रही हूं मैं यहाँ पे कि पहले बहुत हल्का, फिर धीरे धीरे मैं अपना लेवल और स्पीड बढ़ा लेती हूँ। आज पहली बार ये चीज पढ़ा रही हूँ, बहुत बेसिक कराऊंगी, लेकिन बेसिक में कुछ ऐसी चीजें बता जाऊंगी आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। एक बार रुक के देख लेती हूँ, कुछ आप लोग पूछ तो नहीं रहे हैं। हाँ, फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट, फीलिंग लव हेट, जी ठीक है, ये सब अनकाउंटेबल है, लव अनकाउंटेबल है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, गुलाब का फूल एक भेजा है, काउंटेबल है लव का मतलब गुलाब होता है एसडी। क्वालिटी भी अनकाउंटेबल है, अगर आप ईमानदार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस अनकाउंटेबल नाउन है, आपकी ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, कि उसे गिन थोड़ी ना सकते हो। हाँ, प्यार मोहब्बत सब अनकाउंटेबल है, सब मोह माया है, त्यागो, किताबों पे आ जाओ, किताबों से प्यार करो, वो सारी माया देगा आपको जीवन में, ठीक है। चलो कुछ नहीं पूछ रहे हो, यस मैम आ गए जिंदगी में धीरे धीरे ठीक है। नोनो संधू जी, इंग्लिश में भी धीरे धीरे आना है हम सबने, ठीक है। एक सेकेंड में देख रही हूं किसी का कॉमेंट मिस तो नहीं हो गया, कोई डाउट तो नहीं था, क्योंकि आप लोग का बातचीत के मैसेज तो दिख रहे हैं बट कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने की है काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात, अब इससे थोड़ा सा वर्ब कनेक्ट कर देती हूं। आपने ध्यान से देखना होता है, अगर आपका काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तो आप अपने वर्ब को सिंगुलर ले लीजिए, अगर आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो आप अपने वर्ब को प्लूरल ले लीजिए। यहां मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, समझे, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, समझ गए, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो दो तरह से काउंटेबल नाउन हो गए, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो सिंगुलर दिखे वर्ब सिंगुलर, नेहा इज, गर्ल इज और गर्ल्स, समझे। अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं तो ध्यान से सुनिए, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं बच्चों, इस बात को गांठ मार लो, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो सीधा सीधा मान लेना वो सिंगुलर ही है, क्योंकि मैंने कहा अनकाउंटेबल है ही वो जिसका प्लूरल नहीं होता है। कनेक्ट करिएगा प्लीज चीजों को, टॉपिक बहुत मजेदार है अगर सीखना चाहो तो।
हम प्लूरल नहीं कर रहे, यानी वो हमेशा सिंगुलर है, और जब वो पहले से सिंगुलर है यानी मेरी वो अब कैसी चलेगी, सिंगुलर चलेगी। तो अनकाउंटेबल नाउन की वर्ब हमेशा कैसी हो गई, सिंगुलर। अब यहां मैं 2 मिनट के लिए रुक के आपको कुछ बातें बताती हूं। यहां मैं रुक के आपको पहली बात ये बताने वाली हूं, इन दोनों के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं बच्चे जिन्हें हम अपने जरूरत से काउंटेबल बना देते हैं, दे आर कोल्ड एक्सेप्शंस। इसीलिए तो कहती हूं कॉन्सेप्ट पे काम करो, एक्सेप्शन से डील करना अपने आप आ जाएगा। अब अनकाउंटेबल को काउंटेबल कैसे बनाते हैं भाई, बच्चों ध्यान से सुनो। अगर हमने कहा, बहुत ही पुराने जमाने का एग्जाम्पल मैं दे रही हूं और अपने बालों को यूज कर रही हूं, आपको नहीं, मैंने कहा माय हेयर इज ब्लैक, यानी मैं कह रही हूं हेयर, हेयर। मुझसे कोई पूछे कैसा नाउन है तो मैं बोलूंगी अनकाउंटेबल, इसी वजह से तो मैं क्या लगा रही हूं इज। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट था कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल कैसे बनाते हैं। मैंने कहा माय 3 hairs, बच्चों ध्यान से नोटिस करो, माय 3 hairs आर वाइट। भाई आप इस गिनती को सच मत मान लेना, कहीं अभी पढ़ने से नजर हटा के मेरे सर में बाल ढूंढने लगो, ऐसे मत करने लगना। मैंने जनरलाइज वे में लिख दिया है, शायद 20-30-50 भी सफेद हो, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो माय हेयर इज ब्लैक एंड माय 3 hairs आर वाइट। तो यहां पे नाउन दोनों जगह पे हेयर ही है, ध्यान से देखो, लेकिन एक जगह मैंने उसे काउंटेबल फॉर्म दे दिया है और एक जगह मैंने उसे अनकाउंटेबल फॉर्म दे दिया। अब क्या मेरी ट्रिक यहां पे चल रही है, ध्यान से देखो। मैंने कहा था जिस भी चीज को प्लूरल देख लो ना, पक्का कह देना वो काउंटेबल है, और जब वो काउंटेबल में प्लूरल दिखेगा तो पक्का हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। इसको वैसे नियम बना के पढ़ा दिया जाता है, बुक्स उठाओगे ना वहां रूल मिलेगा कि हेयर अगर आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगाइए, उसके आगे डिजिट लगने पर वर्ब प्लूरल कर दीजिए, और बच्चे उसे रट रहे होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये 2 ही बातें याद कर लोगे तो इससे भी आपके 10 पॉइंट कवर हो जाएंगे, दिखाऊंगी। बेसिक से भी क्वेश्चन आता है ये मैं दिखाऊंगी, हर क्लास में दिखा रही हूं ना पिछले सालों के क्वेश्चन, एक बार बेसिक थोड़ा समझा दूं, थोड़ा करा दूं इस लायक, फिर इसके क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगी, और आप हैरान रह जाओगे कि इतनी छोटी छोटी बातों के भी क्वेश्चन कितने बड़े बड़े पेपर में आते हैं, और हम फिर कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, पेपर में वो नहीं आता जो टीचर पढ़ाते हैं, पेपर में नहीं हो रहा है, क्लास में तो हो रहा है पेपर में नहीं हो रहा है। हम ऐसी ऐसी बातें करके अपने दिमाग को खुद ही नेगेटिव फूड दे रहे होते हैं। आप पॉजिटिव फूड दीजिए, तरक्की शुरू होगी, पहले अच्छी बात खुद सोचो, पहले अपने आप को स्पेशल मानो, अपने आप को खास मानो, तब दुनिया आपको खास मानेगी, ठीक है। तो यहां पे हमने सीख लिया है काउंटेबल को भी और अनकाउंटेबल को भी, और अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाया जा सकता है, एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां समझा दिया। अगला पॉइंट मैं ये समझा रही हूं कि अनकाउंटेबल नाउन्स पे आपको कभी भी ए और एन आर्टिकल्स लगाने की जरूरत नहीं होती। बच्चों मैं आपको क्या सिखा रही हूं, आप ना थोड़ा फील करके सीखा करो, आप थोड़ा सा अगर फील करके सीखें तो मैंने आपको बेसिकली ये कह दिया है, बेसिकली मैंने कह दिया कि अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिन नहीं सकते। अब गिन ही नहीं सकते तो एक कैसे कहोगे, गिन ही नहीं सकते तो एक कैसे कहोगे, और ए और एन किसको दिखाते हैं, एक को दिखाते हैं, तो सब चीजें ना कनेक्टेड हैं। रट्टा मारोगे तो भाई रट लो, उसको तो मैं रोक नहीं सकती ऐसे बच्चे को तो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वो ध्यान से सुने तो बहुत आसान सी बात है। 3 बात याद रखो, 10 एरर कवर हो रहे हैं सिर्फ 3 बात में, कि अनकाउंटेबल मतलब हम गिन नहीं सकते, हम मेजर कर सकते हैं, हम प्लूरल नहीं कर सकते। अब जिस चीज का प्लूरल नहीं कर सकते, यानी वो पक्का सिंगुलर है, तो वो अब सिंगुलर हो गई। अब जब वो है ही सिंगुलर, पहले से ही वो सिंगुलर है, गिन में उसको सकती नहीं, तो एक बोलूंगी कैसे, यानी ए और एन आर्टिकल नहीं आ सकता। इन्हें नियम बना के पढ़ा दिया जाता है, पर ये है कॉन्सेप्ट, ये है बेसिक ही, ठीक है बच्चों। अगर अच्छे से फील करके सीखोगे तो बहुत आसान है, मुश्किल बना करके सीखोगे तो देखो बचपन से सीख रहे हो, आ नहीं रही ना इंग्लिश, इसीलिए नहीं आ रही। यहां से शुरू होती है, यहां से मैसेज दो मुझे आ रही है, मुझे आएगी, और मुझे आप सिखा सकते हो। अगर जेन्युइनली समझ में आ रहा है तो मैं पक्का सिखा सकती हूँ, ठीक है। समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर बात अलग है, फिर कॉमेंट्स में बताओ नहीं आ रहा है, देन आई विल टॉक ऑन इट, ठीक है। तो यहां तक हमने किया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब फर्दर मूव करती हूं, अगला पॉइंट ले रही हूं, इसमें भी और बहुत कुछ है बताने को, देखो बार बार कह रही हूं, लेकिन आज मैंने बात करनी है बेसिक्स की, उसमें हल्का हल्का वो बताऊंगी जो टॉपिक के लिए जरूरी है। थोड़ा आधार बनाओ, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हम कर लें, पेपर के थोड़े से क्वेश्चन हम देख लें, फिर और टेढ़ा मेढ़ा बात भी करेंगे, ठीक है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा और आगे ड्रॉप हम कर लेते हैं।
काउंटेबल के फर्दर तीन डिविजन्स पॉसिबल हैं बच्चों। आप ना जब अलग अलग बुक्स और अलग अलग टीचर्स से बात करोगे तो ना उनके टाइप्स पे भी झगड़ा हो सकता है। इंग्लिश ना बच्चों एक भाषा है, और भाषा ना सोसाइटी से अपने आप निकाली जाती है, ना कि कोई एक इंसान इसे बना सकता है या एक इंसान इसे लिख सकता है। तो कहीं कुछ और अलग भी पढ़ लो तो उससे लड़ना मत। थोड़ा सा हर किसी के विचार अलग हो सकते हैं, उस हिसाब से वो लिखते हैं। देखो इंग्लिश में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ ही होते हैं बच्चों। एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको बात सिखाती हूँ। बुक का नाम मैं भूल गई हूँ अभी, नहीं तो मैं बुक का नाम भी जरूर बताती। मात्र एक बुक मैंने अपने लाइफ में, मतलब 10 साल हो गए हैं मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए, एक किताब मैंने ऐसी देखी थी। बुक का मैं ऑथर का नाम भी मैं भूल गई हूँ, नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल अच्छे से देती। उसके अंदर उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 लिखे हुए थे। आप कितने भी बुक्स उठाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे 8, लेकिन उस एक इंसान ने लिखे हुए 9। और 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कह रहा है किसको? आर्टिकल्स को। वो कह रहा है कि हर शब्द को कवर कर दिया, आर्टिकल को छोड़ दिया। तो मैंने सोचा क्यों इस नन्नी सी जान को छोड़ा जाए, मैं इसको 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लेता हूँ। उन्होंने ऐसा सा अपना विचार रखा और अपने बुक में प्रिंट कर दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। अब जो बच्चा 22 ढोगे पढ़ेगा वो 9 को रट्टा मार लेगा। लेकिन आर्टिकल बच्चों एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, आर्टिकल एडजेक्टिव्स के अंदर ही मान लिया जाता है। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 ही है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस ऑथर से हम लड़े, उस पर हम केस कर दें, उसने इंग्लिश को बिगाड़ दिया। देखिए उसकी बुक है, उसके थॉट है, वो लिख सकता है। तो लैंग्वेज को जैसे हम चाहें वैसे बोलते हैं, यूज करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट लकीरों पे नहीं लिखा है। तो ये टाइप्स में भी आपको मिल सकता है दाएं बाएं थोड़ा सा, लेकिन वो सिर्फ उनके कहने का तरीका है। चीज हर जगह एक ही है, बात सब एक ही कर रहे हैं, तरीका बदल बदल के कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टाइप तो मैक्सिमम इतनी है, नई टाइप नहीं बन सकती, लेकिन कहीं दाएं बाएं उसको कर देंगे थोड़ा, ये इसकी टाइप है, वो उसकी टाइप है, ये एग्जांपल इधर है, ये एग्जांपल उधर है, ऐसे थोड़ा आपको वेरिएशन मिलेगा नाउन में। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इस चीज से आप बचना, ठीक है। अब काउंटेबल के तीन बायफर्गेशंस जो मैं करने वाली हूं, सबसे पहला मैंने इसमें लिख दिया है कॉमन, दूसरा मैंने लिख दिया है प्रॉपर, और तीसरा मैंने लिख दिया है कलेक्टिव। देखो नाउन के बेसिक में सबसे जरूरी होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहचानना। थोड़ा कम जरूरी, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर इन तीन टाइप्स को सीखना, और इससे भी बहुत कम इंपॉर्टेंट हो जाता है अनकाउंटेबल की टाइप्स को सीखना। इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए किस ऑर्डर में आपने पढ़ना है, तो ही आपको पेपर में क्वेश्चंस करने आएंगे, ठीक है। पढ़ा रही हूं क्योंकि टॉपिक का हिस्सा है, लेकिन सबसे जरूरी ये 2 बात है। सब कुछ मैंने इसमें समेट दिया है, ये तो सिर्फ पूरा हो जाए इसलिए बता रही हूं, ठीक है। काउंटेबल और कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। अब कॉमन की अगर मैं बात करूं बच्चों, आइए फटाफट से बता दूंगी, इस पे ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। काउंटेबल अनकाउंटेबल जरूरी था, उसको मैंने टाइम दिया है, ठीक है। कॉमन की अगर हम पहचान बताएं, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, विजिबल नहीं है ये। देखिए अगर मुझे कॉमन नाउन की बात करनी है तो हम सब अपने आप को कॉमन पीपल कहते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर कुछ विशेष या अलग दिखाई नहीं देता। तो कॉमन नाउन का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सीखो एक बार। सपोज यहाँ पे मैंने ये 3-4 लोग बना दिए, ड्राइंग मेरी ज्यादा सी अच्छी नहीं है, तो आप पक्का अपने घर बैठे बैठे हंस सकते हो, पर भाई समझाना तो पड़ेगा ना, इमेज तो देनी पड़ेगी आप लोग को। सपोज ये 5 बच्चे हैं, अगर बच्चे बुरा माने तो ये हमारे 5 टीचर्स को आप मान सकते हैं। अब ये 5 टीचर्स हैं हमारे, और मैं कह रही हूं ये 5 एक ही शब्द बोल रहे हैं इन 5ों के लिए, टीचर्स, इसे कहेंगे कॉमन नाउन। अब ध्यान से सुनना बच्चों क्या कह रही हूं, बहुत सारी अलग अलग चीजों का जब नाम एक जैसा रख दिया जाए किसी 1, 2, 3 समानताओं के आधार पर, तो उसे इंग्लिश कहती है कैसा नाउन, कॉमन। समझे, चीजें बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज सेम होने की वजह से उन सबका नाम ही एक जैसा रख दिया, उस एक जैसे नाम को हम कहते हैं कैसा नाउन, कॉमन। देखो अभी 1 मिनट पहले मैंने इसे कहा था मार्कर, और इसे भी कहा था मार्कर, ध्यान से देखो, एक मोटू है और एक पतलू, दिस इज मोटू मार्कर एंड दिस इज पतलू मार्कर, लेकिन दोनों क्या है, मार्कर है। क्यों, क्वालिटी दोनों का काम एक ही है ना, कि लिखने के काम आते हैं। तो अगर सिमिलैरिटी है कुछ भी और उस सिमिलैरिटी के आधार पे नाम एक जैसा रख दोगे तो कॉमन नाउन है। आप सब मोबाइल फोन से पढ़ रहे हो कि नहीं, सब किससे पढ़ रहे हो, मोबाइल फोन से पढ़ रहे हो, मोबाइल फोन भी कैसा नाउन हो गया, कॉमन हो गया। सभी चेयर्स पे बैठ के पढ़ रहे हो, चेयर कैसा हो गया, कॉमन हो गया। सभी अपने घर पर हो, हाउस
कैसा नाउन हो गया? कॉमन हो गया। सभी आगे टेबल रख के बैठे होंगे, कॉमन नाउन हो गया। मोबाइल का चार्जर लगाया होगा, चार्जर कॉमन नाउन हो गया। समझे कि नहीं? ब्रांड, कंपनी, कलर सब अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सारे नाउन कैसे हो गए? कॉमन हो गए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारी अलग अलग चीजों का एक जैसा नाम क्या कहलाता है बच्चों? कॉमन। अगर मैं बात करूं प्रॉपर नाउन की, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करती हूं प्रॉपर नाउन की, तो ध्यान से समझो आप एक बार। प्रॉपर नाउन, बहुत सारी चीजों का अलग अलग नाम है कॉमन। प्रॉपर होता है किसी भी चीज का अपना खुद का नाम। इन सब का एक ही नाम है, टीचर, कॉमन है। लेकिन अब मैं इस वाले को कहने लग जाऊं नेहा, इस वाले का नाम मैंने बता दिया है राहुल, इस वाले को हमने कह दिया है परवीन, इस वाले को हमने कह दिया है रवि, इस वाले को हमने कह दिया है अनिल। तो आप ध्यान से देखो, ये सारे प्रॉपर हो गए। हर किसी का अपना खुद का नाम, किसी चीज का, जगह का अपना खुद का नाम होता है प्रॉपर, और एक जैसा नाम होता है कॉमन। हम सब इंडिया में रहते हैं, प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक देश है, देश कंट्री कॉमन नाउन है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, कॉमन नाउन है। उन कंट्रीज में से इंडिया एक है, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, शरारती बच्चा एक स्टूडेंट है, तो शरारती बच्चा प्रॉपर नाउन, स्टूडेंट आप सारे हो। अंकिता मलिक प्रॉपर नाउन, स्टूडेंट बोलोगे कॉमन, गर्ल बोलोगे कॉमन, अंकिता मलिक बोलोगे तो प्रॉपर। समझा पा रही हूं मेरी ख्याल से या नहीं, एक बार कमेंट्स में बता दो जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यस नो कुछ लिख दो, बहुत देर होगी आपसे बात किए हुए। हाँ, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, अमित जी बिल्कुल ठीक है। किसी भी चीज का, सारे ब्रांड नेम्स आपके प्रॉपर होते हैं। सब देशों में किसी भी चीज का अपना नाम, ज्यादा मतलब दाएं बाएं रटना ही क्यों है, किसी भी चीज का अपना नाम प्रॉपर है, और एक जैसा नाम सबका कॉमन है। समझ गए होंगे? नहीं आया हो तो एक बार हाँ नीचे मुझे बता देना, अदरवाइज मैं अगले पॉइंट पे चल रही हूं। तीसरी टाइप मैंने आपके सामने लिखी थी कलेक्टिव नाउन, इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी और आप सबने भी यहां अटेंटिव होके सुनना है। इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी और यहां थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसमें मैंने बच्चे को मार खाते देखा है, यहां नंबर कटवाते देखा है, और ध्यान भी नहीं देते इस चीज पे। कलेक्टिव नाउन को ऐसे ही पढ़ के आगे मूव कर जाएंगे। हालांकि कलेक्टिव की एक टाइप होती है मल्टीट्यूड, जिसकी हमें एरर्स में बहुत जरूरत पड़ती है, उसकी भी मैं बात करूंगी एरर्स में। अभी बेसिक है ना आज, तो बेसिक के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन अगर हमें पहचानना है तो ध्यान से देखो फिर से। वैसे तो वो इमेज मैंने वैसे ही रब कर दी, फिर से हमने यहाँ पे अपनी ड्राइंग का चमत्कार दिखाते हुए पांच ड्रॉ कर दिए हैं इंसान। अब इन पांचों को टीचर कहो कॉमन है, नेहा, राहुल, अनिल, परवीन कहो प्रॉपर है, और वेटिकन का स्टाफ कहो कलेक्टिव हो गया। समझे बच्चों? एज अ ग्रुप। कलेक्टिव शब्द देखो बनाई कलेक्शन से है, तो ग्रुप को जो एक नाम देते हो, झुंड के जो नाम होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है कैसा नाउन? कलेक्टिव नाउन। झुंड के नामों को कहते हैं, हाँ, ग्रुप का नाम कहलाता है कलेक्टिव। हाँ, क्लास, टीम, ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब मैंने इसको इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्यों कहा, मैंने यूं क्यों कहा, यहां आप ध्यान ज्यादा दो, क्योंकि यहां से ना क्वेश्चन पेपर में आता है, और बच्चों को ये इजी इजी कलेक्टिव तो पता होते हैं, टीचर का कलेक्टिव स्टाफ होता है, स्टूडेंट का कलेक्टिव क्लास होता है, ये हमें आता होता है। लेकिन वो इतना इजी नहीं पूछता, वो थोड़ा ट्रिक करके पूछता है, वो ऐसी चीजों को पूछता है जो अटपटी लगे बच्चे को। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सपोज उसने कहा, चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ, दो चार कलेक्टिव देखें आपको कितना सा पता है। मैंने आपको कहा मुझे बॉयज के लिए कलेक्टिव नाउन बताओ। हमारे कमेंट्स में ज्यादातर लड़के होते हैं, इसलिए मैंने पहले बॉयज लिख दिया है। अगर आप में से किसी को पता है कि लड़कों के झुंड को क्या कहते हैं तो एक बार मुझे बताओ। यहाँ थोड़ा सा वो कैप में हम घुस गए हैं, पर ये जरूरी है बच्चों, इसलिए मैं रुक गई हूं और आपकी तरफ देख रही हूं। संख्या भी बढ़ रही है, लाइक भी बहुत ज्यादा बच्चों ने कर दिया है, शेयर भी कर दो। हाँ जी, ये विकास बलहारा जी पूछ रहे हैं मेल टीचर्स बोलेंगे तो क्या होगा। देखो, पहली बात, अगर आप टीचर्स बोल रहे हो तो नाउन आपने काउंटेबल कर दिया है। काउंटेबल जब आप कर चुके हो
तो आप इसे कंपाउंड नाउन बना रहे हो। कंपाउंड का मतलब होता है दो शब्दों को आपस में जोड़ देना। अगर आप मुझे कह रहे हो कि मेल टीचर्स को मैं एक शब्द मान रहा हूं तो ये कंपाउंड नाउन है, अदरवाइज मेल को एडजेक्टिव माना जा सकता है यहाँ पे और टीचर्स को नाउन, ठीक है? तो ये डिफरेंस हो जाएगा थोड़ा सा जी। गैंग, हाँ लड़कों के लिए गैंग हाँ पक्का होता है, लेकिन कुछ नया सिखाती हूँ। गैंग वो बच्चा बता रहा है जो मुझसे पढ़ चुका है, ठीक है? आप हैरान हो जाओगे, लड़कों का कभी कलेक्टिव नाउन ढूंढोगे मिलेगा गैंग, लड़कों के लिए कलेक्टिव नाउन ढूंढोगे मिलेगा रास्कल। सुन रखा है ये शब्द, सुना होगा ना इंग्लिश में रास्कल बोलते हैं, कॉमन नाउन सोचते हैं लोग इसको। रास्कल कलेक्टिव नाउन होता है, किसका? बॉयज का। लड़कों के झुंड को कहते हैं रास्कल, रास्कल्स बोलते हैं तो कॉमन नाउन बन जाता है। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन को कॉमन बनाया जा सकता है क्योंकि उनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल नहीं होता कभी भी। अगर आप उसे प्लूरल बना देते हो ना तो वो कॉमन बन जाता है। कितनी अच्छी सी बात आ गई है, कितना बढ़िया सा पॉइंट निकल गया है, मुझे ध्यान से नोटिस कर लो। कलेक्टिव नाउन को कॉमन बनाया जा सकता है, कैसे? अगर उसका प्लूरल फॉर्म मिल जाए तो। अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो उसको हम कह देते हैं कलेक्टिव, समझे? कितना बढ़िया सा पॉइंट मिल गया है। कहीं पे कलेक्टिव क्लासेस बोल रहे हो, कलेक्टिव नहीं है, कॉमन हो गया है। रास्कल्स बोल रहे हो, कलेक्टिव नहीं है, कॉमन हो गया है, समझे? यही बातें तो सीखने की होती हैं और हम किताबों को रटते रहते हैं। आइए, तो गैंग के लिए गैंग कह लो, रास्कल कह लो, या एक और बात बताती हूँ, और भी मतलब सारे नेगेटिव नहीं, बढ़िया भी लिखती हूँ कुछ। प्लश, ये भी बॉयज के लिए कलेक्टिव नाउन होता है, इसको आलिशान, वैसे प्लश का वैसे मीनिंग ढूंढे तो आलिशान भी होता है एक सेंस में। बाकी कलेक्टिव 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 फॉर बॉयज। अब लड़के बुरा मान जाएंगे तो लड़कियों की भी बात कर लेते हैं। लड़कियों का कलेक्टिव नाउन कौन बताएगा मुझे, बताइए जल्दी से। गर्ल्स का कलेक्टिव नाउन डेली किस टाइम? बेटा डेली 10:30 बजे स्टार्ट होती है नितीश क्लास, 10:30 से 11 वोकैबुलरी लेती हूँ और 11 से 12 ग्रामर, हालांकि 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, डोंट माइंड जी। गर्ल्स का कलेक्टिव बताओगे आप मुझे? वेट कर रही हूं मैं आपका, इसीलिए रुक के खड़ी हूं सामने स्क्रीन के। गर्ल्स का देखें क्या बताते हो, फ्लोक नहीं, गर्ल्स के लिए फ्लोक नहीं होता है। हाँ, फ्लोक कलेक्टिव नाउन होता है, मना नहीं करूंगी, फ्लोक कलेक्टिव नाउन तो पक्का होता है, लिख रही हूं आपके लिए। लेकिन ये फ्लोक आप कह सकते हो बर्ड्स का और भी कई सारी चीजों का, पर मैंने सिर्फ बर्ड्स क्यों लिखा है क्योंकि ये एग्जाम में मैंने देखा है एक दो बार। बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन बच्चों फ्लोक भी होता है और फ्लाइट भी। कलेक्टिव नाउन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नए सिखा देती हूँ आपको बातों बातों में। बर्ड्स का झुंड फ्लोक और फ्लाइट, अगर पक्षी उड़ रहे हैं फ्लाइट, सिर्फ बर्ड्स लिखा है फ्लोक, इतना माइन्यूटली आना चाहिए, ये चीज और हम ध्यान ही नहीं देते। तो अगर बर्ड्स कह रहा है वो तो फ्लोक बोलो, फ्लाइंग बर्ड्स कह रहा है तो आप जवाब दीजिए फ्लाइट। बाकी गर्ल्स का बताओ मुझे, बातों में मत उलझाओ। गर्ल्स के लिए जवाब आया है बेबी, हाँ बुक्स में झुंड अमित बेटा अंग्रेजी में बताएं, झुंड तो इन सबकी हिंदी है। कोई से भी कलेक्टिव नाउन को उठा लो, सबका ही मतलब झुंड होता है बच्चों, सबका ही मतलब झुंड होता है, ठीक है? गर्ल्स के लिए ज्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा, कॉम्पिटिटिव बुक्स में गैगल, कोई नॉवल या जनरल टाइप का बुक पढ़ोगे तो उसमें गीगल भी मिल सकता है। और जो बच्चे मुझे कह रहे हैं बेबी, ज्यादातर वो गर्ल नहीं लेडीज के लिए यूज होता है, थोड़ा सा हमें करेक्शन की जरूरत है, कलेक्टिव नाउन के केस में सीखना बहुत जरूरी है। गर्ल्स को गैगल और गीगल दोनों कहते हैं वैसे तो, पर ज्यादातर बुक्स में आपको ये मिलेगा बच्चों, इसलिए हम क्लास में यही पढ़ाते हैं क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना। जनरल इंग्लिश पढ़ाने लगे तो फिर ये वाले पॉइंट्स में गड़बड़ हो जाती है। अब गीगल, एक चीज के कई कई कलेक्टिव होते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? तो आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, तभी तो पेपर में आ रहा है, जिस चीज में ताकत लगती है वही पेपर में आती है। गीगल का वैसे एक मीनिंग और भी होता है, खिसियाना जैसे बॉयज के लिए मैंने रास्कल बताया होगा तो लड़कियां बहुत खुश हुई होंगी, अब लड़के खुश हो सकते हैं। गर्ल्स को गीगल जब लिखा जाता है तो खिसियाना, खिसियाना वो सुनिए कहावत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो दैट खिसियाना इज गीगल इन अ सेंस। बाकी यहां हम कलेक्टिव नाउन के सेंस में गर्ल्स को ले लेते हैं। और बहुत जगह तो ये भी कहते हैं ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स हो ना तो ही गैगल लो,
ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो तो बेबे ही ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ग्रुप ऑफ गर्ल्स है ना तो अंडरस्टूड है, टॉकेटिव तो है ही। ठीक बात है कि नहीं? अगर ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, पांच लोग बैठे हैं, चुप थोड़ी बैठे होंगे, तो टॉक तो हो ही रहा होगा, बोल तो वो रहे होंगे, मुंह पे उंगली रखा ऐसा थोड़ी बोला किसी ने। तो हर केस में गर्ल्स के लिए गैगल ही होता है बच्चों। तभी तो मैंने कहा किताबों में बहुत कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। मतलब हो सकता है मेरे इस वीडियो के नीचे भी कोई कमेंट कर दे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत सारे थॉट्स हैं इंग्लिश में लेके, झगड़ा हो जाता है आपस में, पर हम तो वही पढ़ेंगे जैसा पेपर में आता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चलूंगी। ठीक है, तो इट्स गैगल एंड गीगल फॉर गर्ल्स एंड बेबी इज फॉर लेडीज। समझ में आ गया होगा? चलिए कुछ और दो तीन नई बातें सिखा देती हूँ, आ जाओ कुछ और नए पॉइंट्स कर लेते हैं। अगला कलेक्टिव नाउन आपके सामने, दो चार और बताऊंगी बच्चों बस, ताकि आपको फील करा सकूं एक्चुअली में कलेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, याद करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे पूछे कैमल्स ऊंट के झुंड को क्या कहते हैं, बताओ मुझे कॉमेंट्स में क्या कहोगे, बताओ बच्चों जल्दी, ऊंट के लिए क्या क्या कहोगे, जल्दी से बता दो, बताइए बताइए। बताओ ऊंट के लिए बताओ, वेट कर रही हूं मैं। यस मैम लिख रहे हो, नहीं आता है, चलो आसान वाला बता दो, क्रो के लिए बता दो, ऊंट क्रो किसी के लिए भी बता दो। सुस्त हो गए, लाइव तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आता नहीं है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, वेटिंग फॉर यू, जल्दी बता दो बच्चों, आता नहीं है लगता है ये भी। चलो फ्रेंड्स के लिए ही बता दो, जवानी में दोस्तियां बहुत करते हो आप लोग आपस में, दोस्तों के ग्रुप को ही बता दो, दोस्तों के ग्रुप की कोशिश कर लो बताने की। नहीं पता। आसान आसान भी लिखते जा रही हूं, ये लो बनानास के लिए बताओ, ये तो बहुत आसान लिख दिया, अभी ग्रेप्स लिखो क्या, बनानास के लिए बता दो, ग्रेप्स का तो पता होगा, या अभी ग्रेप्स का भी बता के खुश करना मैंने आपको, जल्दी बताओ इसमें से कोई सा तो सही बताओ, याद नहीं आ रहा, नहीं कोई तो बताओ, कोयर नहीं, सिंगर्स के लिए होता है रीना बेटा, कोयर लिखा इन्होंने कमेंट्स में, देखो सी एच ओ आई आर, ये सिंगर्स के लिए आता है भाई, सिंगर्स के ग्रुप को कहते हैं बच्चों। मैं जानबूझ के डिस्कस कर रही हूँ आपसे ताकि 8-10 नए सिखा के चले जाऊं, क्योंकि मुझे पता है खुद से बुक में नहीं पढ़ोगे। फ्रेंड्स के लिए हाँ सर्कल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, फ्रेंड्स का जवाब फाइनली आ गया है मेरे पास, बाकी फ्रेंड्स के लिए पार्टी भी यूज कर लेते हैं, हालांकि पार्टी और सर्कल कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, मैं जानबूझ के कलेक्टिव डिस्कस कर रही हूं ताकि आपको सिखा सकूं कलेक्टिव्स कॉमन भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट बनाओ और रटो मत, सेंटेंस में नाउन क्या है वो बात करूंगी अगली क्लास में, आज एज अ वर्ड में इसकी बात कर रही हूं, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच में इसकी बात कर रही हूं। सर्कल या पार्टी फ्रेंड्स के लिए, क्रो का नहीं पता हैरान हो जाओगे, चलो मैं ही बता देती हूँ, इतना टाइम नहीं खराब कर रहे, आपको बहुत अजीब सी लगेगी ये बात, ये लीजिए, क्रो के झुंड को कहते हैं मर्डर। सुना नहीं होगा आज तक कहीं पे, मर्डर कोई पूछेगा ना आपसे अंडरलाइन करके तो सोचोगे हाँ कोए को कौए को मार दिया है, तो उसको कॉमन नाउन बोलोगे, नहीं तो वर्ब बोलोगे उसको, है ना, मर्डर मतलब मारना, ऐसा हिंदी बना के उसे वर्ब मान लोगे, जबकि ये कलेक्टिव नाउन है किसके लिए, क्रो के लिए, बनाना के लिए बंच कह सकते हो, बनाना के लिए बंच कह सकते हो, लेकिन मैं जो लिखने वाली हूं वो हैरान करने वाला है आपको। एग्जैक्टली में कॉम्ब यूज करते हैं, कॉम्ब वही है जिससे आप बाल कंघी करते हो, ये वही वाला कॉम्ब है बच्चों जिससे आप बाल कंघी करते हो, तो इट इज फॉर बनानास। ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं पेपर में, मैं ये फील कराना चाह रही हूं आपको। हाँ दीक्षा कह रही है कारवा ऊंट के लिए, गूगल से सर्च कर रहे हो, गलत बात है, फिर भी मैं कोई नया लिख दूंगी आप समझदार बनोगे तो। और भी कोई बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है, मैं बताती हूँ अटपटा सा, ये लो ऊंट के लिए आपको यूज ऑप्शन में मिल सकता है ट्रेन, ध्यान से स्पेलिंग देखो क्या ट्रेन लिखी है मैंने,
ये वही वाली ट्रेन है जिसमें सफर करते हो, जो अभी 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 सरकार ने दोबारा से आदेश जारी किया है कि ट्रेनें चलेंगी, ये वही वाली ट्रेन है, छुक 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 छुक। और ऊंट के झुंड को, जब ऊंट चल रहे हो ना बहुत सारे एक के पीछे एक, उस सेंस में आता है ट्रेन। समझे कितने कॉमन कॉमन वर्ड है जो आसपास की भाषा में बच्चों आप लोग यूज करते हो। देखो एक शब्द आता है जैसे कॉयर सिंगर का था, चलो ऐसे ही वेल मछली की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कहते हैं स्कूल। अब देखो स्कूल में पढ़ने जाते हो कि नहीं, सॉरी अब तो नहीं जाते, गए होंगे, छोटे भाई बहन जाते होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी स्कूल में गए तो वो वेल मछलियां हो गए। समझे कि नहीं समझे? तो बहुत सारे कॉमन ऐसे शब्द हैं जो कलेक्टिव होते हैं, इसलिए बच्चों को नाउन मुश्किल लगता है, इसलिए बच्चों से नाउन के एरर नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है, ज्ञान अधूरा है। कॉमन प्रॉपर कोई टीचर पढ़ाने लगे ना, उसकी क्लास को बंद करके चले जाते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है, नाउन लिखता है बंद करके चले जाते हैं, अरे ये तो मुझे आता है। बच्चा इसी गलत फहमी में है, आता हमें है लेकिन फिर भी टीचर के पास बहुत कुछ होता है नया बताने को, उसको सुनना चाहिए पूरा, है ना। बीच में स्विच करके चले जाते हो ना, अगले टीचर को सुन पाते हो ना इसको, तो जिसकी क्लास सुनो उसकी पूरी सुनो, वो बहुत बढ़िया कुछ लास्ट तक आपको दे पाएगा। शुरू के 5 मिनट में स्विच कर जाओगे तो 5 मिनट तो लाइव क्लास में आपके हाल चाल पूछने में ही निकल जाते हैं, है ना बच्चों। तो पढ़ाई तो पीछे पीछे सी ही जाके होती है। तो ये सब कलेक्टिव नाउन आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे, आपको याद भी हुए होंगे। एक आखिरी आपसे पूछ रही हूँ, नोट्स पढ़ने का बच्चों को बड़ा शौक होता है, अब जरा ध्यान से बताओ नोट्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्या होगा, सोचो जवाब बताओ बताओ। पुराना ही बताते जा रहे हो, ट्रेन ट्रेन कोम स्कूल, नोट्स के लिए बताओ एक बार, नोट्स के लिए बताओ, सोचो नोट्स के लिए आपके पास क्या जवाब है, नोट्स का कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है बच्चों, देखते हैं आपका दिमाग कितना सा चलेगा। बताइए, कुछ कमेंट्स तो ना समझ नहीं आते हैं, पता नहीं क्या लिख देते हो। चलो टाइम खराब नहीं कर रही हूं, नोट्स के लिए नोटबुक। आदित्य दहिया कह रहे हैं नोट्स के लिए नोटबुक। आदित्य जी आपके वाला शब्द बोर्ड पे लिख रहे हो, ध्यान देना, नोट्स के लिए नोटबुक ऑलमोस्ट सही जवाब है। एग्जैक्टली बस नोट शब्द हटा दो, आपका जवाब आपके सामने, क्योंकि नोट्स कहां से निकाले जाते हैं, बुक से, तो बुक में कलेक्शन ही तो है उन नोट्स का, आपने कुछ निकाल लिए उसमें से, तो नोट्स का कलेक्टिव नाउन क्या हो गया है, बुक हो गया है। ठीक है बच्चों, कलेक्टिव नाउन की PDF वगैरह जितना भी पढ़ाती हूँ ये सब आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे मिलेगा, उसे सब्सक्राइब कर लें अगर कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या इंग्लिश बाय नेहा मैम के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करो। ये जितना भी पढ़ाती हूँ और इसके अलावा भी बहुत कुछ मटेरियल उसमें आपको मैं डालकर देती हूँ, ठीक है, जो टेलीग्राम पे इंग्लिश बाय नेहा मैम के नाम से चैनल है उस पे आप सब्सक्राइब हो जाइए। उसमें हम क्या है कि वैकेंसीज के बारे में या कोई और इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो सब हम उसके अंदर डालते हैं, और क्लासेस की PDF और पूरी पूरी क्लास भी उसमें हम डाल देते हैं, किसी की मिस हो जाए तो वो वहां से सीधा साइन इन करके देख सकता है। ठीक है, तो ये सब आई थिंक आपको कलेक्टिव नाउन अच्छे लगे होंगे। हर कलेक्टिव नाउन का सुकेश जी हर कलेक्टिव नाउन का जो मीनिंग होता है वो झुंड या ग्रुप के सेंस में ही आता है। ठीक है, पर्टिकुलर हिंदी ढूंढोगे बहुत भयंकर भयानक भयानक हिंदी होती है, मत पढ़ो उसमें। ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिव नाउन, तो स्कूल एज अ ग्रुप जो होता है वो वेल्स का होता है। और आपको मैं देखो आज कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, आज मैं बेसिक्स ले रही थी इसीलिए मैंने आज वो तो सिखाया ही नहीं। कलेक्टिव कॉमन बन जाता है, प्रॉपर भी कॉमन बन जाता है, कॉमन को प्रॉपर बना सकते हैं, ये पूरी क्लास भी मैं लूंगी, लेकिन आज थोड़ा सा शुरू किया है बस हमने। ठीक है, नाउन को सिर्फ थोड़ा सा शुरू ही हम कर पाए हैं। तो यहां तक हमने काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटेबल की तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। अनकाउंटेबल में जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आते हैं उनको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि वो बहुत कम हेल्प करते हैं हमें एग्जाम्स के अंदर। उसकी बजाय आप सिर्फ अनकाउंटेबल को अगर गहराई से समझ लेते हो तो दैट इज एनफ एंड सफिशियंट। तो फर्स्ट क्लास के हिसाब से नाउन का बेसिक्स एनफ हो गया है, इसको आगे हम जोड़ेंगे ट्रिक में और गहराई में, धीरे धीरे से हम चले जाएंगे। अब आपके डाउट या क्वेश्चन मैं नीचे ले लेती हूं, नहीं तो फिर समाप्त करेंगे, आपसे अलविदा लेंगे हम। हाँ, मैं बुक पब्लिश कर रही थी सुरेंद्र जी, अभी भी कर रही हूं, ऐप के ऊपर बुक्स आएंगी हमारी,
ऐप के बारे में कल या परसों में बात करने आऊंगी आप सबसे। हाँ जी बच्चों, कोई और डाउट, परेशानी, समस्या, कोई सुख दुख मुझसे बताना हो, यहां तक कोई डाउट रह गया हो, कोई कमी छोड़ दी हो मैंने आज की क्लास में, कोई नई डिमांड इच्छा हो आपकी। चल अभी वर्ब ही रहा है, सिर्फ नाउन का हल्का सा मुझे बेस चाहिए था वर्ब के कुछ पॉइंट्स कराने के लिए, इसलिए मैंने आज की क्लास नाउन को दी है, ताकि कल हम दोबारा से जब वर्ब को कनेक्ट करें तो आपको समझा पाऊं। फिलहाल के लिए नाउन एनफ है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा पढ़ाने का, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, सब हो जाएगा। धीरे धीरे से हम गहराई में जाते हैं, स्लोली स्लोली। जो बच्चे जा रहे हैं बाय बाय लिख के जाएं, ताकि मुझे पता लगे जा रहे हो। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। कोई डाउट क्वेश्चन मेरे लिए बच्चों, चाय पानी भेज रहे हो, थैंक यू। एप्पल्स मैंगोज के लिए शुक्रिया, वाटर के लिए नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम पैरा जंबल कैसे करें? नवीन जांगड़ा जी, पैरा जंबल्स के लिए मायने रखता है आपका कनेक्शन और रीडिंग, मतलब रीडिंग कितनी अच्छी है आपकी। न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो कि नहीं, नॉवेल्स पढ़ते हो कि नहीं? अगर पढ़ते हो तो जंबल इजीली हो जाता है, अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं फिर क्लास लेके ही बता सकती हूँ, है ना। उससे आप स्टार्ट कर लोगे, उससे स्टार्ट करना आ जाएगा, फिर प्रैक्टिस से धीरे धीरे एक्सपर्ट हो सकते हो। और कोई क्वेश्चन बच्चों कमेंट्स में? तेजी से घट रहे हो, बाय बाय लिख के जाओ, हैव अ नाइस टाइम, गेट वेल सून भी लिख के जाओ। पूरी ठीक नहीं हूं मैं, इसीलिए आज मैंने थोड़ा हल्का पढ़ाया है, पूरी जान में नहीं लगा पाई। लगभग फिट हूं, टोटली फिट नहीं हूं। रवि सर की क्लास, टेक्निकल मैथ वाले रवि सर की, हाँ जी, एयरफोर्स का बैच आता ही उसमें हम लगा देंगे। ये सब चीजों के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। कोई और डाउट क्वेश्चन बच्चों, कुछ मुझसे पूछना हो, मुझसे कुछ कहना हो, बोलो प्लीज, कहिए। हर बार क्लास के लास्ट 5 मिनट में आप लोगों के लिए इसीलिए सेव रखती हूँ कि आपकी बातें सुन के जा सकूं, कुछ रह गया हो, कुछ मेरा अच्छा बुरा बताना हो तो बता के चले जाओ। क्लास के बारे में कोई ओपिनियन हो तो कमेंट्स में डाल के जाइए। अगली क्लास में कुछ विशेष पढ़ना चाहते हो वो भी डाल के जाओ, मैं उस अकॉर्डिंग भी अपने आप को मोल्ड कर लूंगी। हैव अ नाइस डे बुलबुल बेटा। सुकेश जी, रिप्लाई करूं किस चीज का, मैं नहीं पढ़ पाई आपका कमेंट। मोनिका बाय, बुलबुल थैंक यू फॉर कुछ नहीं पूछ रहे हो वीएफसी, याद क्यों दिलाते हो उन चीजों की जो बंद है। आप भी दुखी होंगे, मैं भी दुखी होंगी, आज टाइम नहीं है, नहीं तो इस बारे में पता है क्या है, क्लास पढ़ाने आती हूँ तो कोशिश करती हूँ इधर उधर की बात कम करूँ, नहीं तो क्लास की वर्थ खत्म हो जाती है ना बच्चों। कभी आएंगे वैसे ही बात करने आएंगे आपसे, उस दिन बैठ के गप्पे ही गप्पे लगाएंगे। पहले बताऊंगी इस दिन आ रही हूँ, अपना जवाब सवाल लिख करके रखना, ठीक है। उस दिन बैठ के खूब सारी बातें करेंगे हम, दुआ करें आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। जी बिल्कुल, लाइब्रेरी ओपन करा दो मैम। अरे मुझे क्यों पकड़वाने का काम करते हो, चलान कटवाओगे, मेरा कमाई कुछ आ नहीं रही है, चलान कटवाने पे लगे हो आप। घर पे बैठ के पढ़ो ना, कितना हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। इंग्लिश स्पेशल बैच ऑनलाइन जल्दी ही आने वाला है, ऐप अनाउंस होते ही उसके अंदर बैचेस आ जाएंगे। ऐप लेकर के आ रही हूँ ना कल परसों आपके सामने, तो तभी ये स्पेशल बैचेस के बारे में सब बात करूंगी मैं। इन्फॉर्मेशन की क्लास कब होगी, कल या परसों? कल या परसों में मैं आने वाली हूँ लाइव, आपको सब डिटेल से मैं बताऊंगी। और कोई क्वेश्चन मेरे बच्चों, जल्दी से पूछो, आई एम वेटिंग। नहीं तो फिर ना बाद में कमेंट आते हैं, मेरा जवाब नहीं दिया आपने, मेरा जवाब नहीं दिया। अभी मैं ध्यान से फोकस करके देख ही रही हूँ, पूछ लो। दीपक बलारा जी थैंक यू, गेट वेल सून लिख रहे हो आप, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, ऐसे ये बोरियत भरा हो जाएगा, कोई बाद में देखेगा इसको रिकॉर्डेड में। तो वेबसाइट पर भी चलेगा क्या मैम? अभी पहला वर्जन तो फोन के लिए है बच्चों, फिर आईफोन पे भी चलेगा और वेबसाइट पे भी, धीरे धीरे हम सारे फीचर्स ऐड करा देंगे। अभी तो एकदम जल्दी जल्दी कराने के लिए फटाफट से लाइव वाला पहले तो हमने ओपन कराया है कि बच्चों से लाइव ऐप के थ्रू कनेक्शन शुरू हो जाए, ठीक है। सारे फीचर्स आएंगे, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अदर्स ऐप में और हमारे में नहीं है, कुछ ना कुछ फालतू ही मिलेगा, डोंट वरी। चलिए कुछ नहीं पूछ रहे हैं आप सब, कल मिलते हैं आप सबसे 10:30 बजे वोकैबुलरी, 11 बजे ग्रामर, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो बुरा मत मानना,
शुक्रिया आप सबका यहाँ जुड़ने के लिए। क्लास कैसी लगी बता देना मुझे, शेयर ना किया हो तो शेयर कर दो। आप सब खुश रहें, संतुष्ट रहें, जल्दी से कोरोना चला जाए और हम सब मिले। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।